बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शामा कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके शेयर करने वाली हूँ ब्रेड का हलवा। खाने में इतना लजीज है कि आप चाहें कि रोज़ बनाएं। चलिए शुरू करते हैं, बताना इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। यहाँ हमने एक पतीला लिया है, उसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो घी और बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऑयल का यूज़ किया है। अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट्स, मैंने 4 काजू 4 बादाम लिया था, इसमें अब कट करके डाल देना है। और डालेंगे इसमें हम इलायची और 2 लौंग डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे कि इसमें अच्छे से कलर आ जाए, गोल्डन सा कलर आ जाए। तब तक हमें इसे फ्राई करना है। फिर हम इसमें डालेंगे दूध, 1 कप दूध यानी 1 ग्लास, और 1 ग्लास हम पानी भी इसमें शामिल कर देंगे। सेम ग्लास से हमारा ड्राई फ्रूट जो लौंग इलायची है वो अच्छे से कलर आ चुका था, आप देख सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे 1 ग्लास पानी भी। डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून यानी कि फूड कलर डाल देंगे। और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है तो कम डाल लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर दिख रहा है। अब हम इसमें बॉईल आने देंगे, यहाँ देख सकते हैं अच्छी तरीके से बॉईल आ चुका है। तो अब हमें इसमें शुगर को शामिल कर देना है। शुगर मैंने लिया है 1 कटोरी, आपको जितना मीठा पसंद है आप अपने मुताबिक डालें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें आप बॉईल आने दें, फिर बॉईल इसमें आ जाएगा तो फिर हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स को शामिल करेंगे। यहाँ अच्छे से आप देख सकते हैं बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें ब्रेड को डाल देंगे। बहुत इजी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर बनाएं। यकीन माने इसका टेस्ट एकदम खोया खोया की तरह आता है, इतना फ्लेवर, बहुत ही ज़्यादा यमी। हमारे घर वालों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, सभी खिलाएं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। यहाँ मैंने 3 से 4 ब्रेड डाल दिया है और इसे आप सोक करेंगे। फिर अगर कम लगता है तो आप थोड़ा ज़्यादा इसमें डाल दें, इतना डालें कि सीरा इसमें अच्छे से सोक हो जाए और थोड़ा बहुत सीरा इसमें जो बच जाए। फिर ये पकते हुए भी जब ये पक जाएगा तब भी ये जो सीरा है वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा ब्रेड में। अब हम अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसे क्रश कर लेंगे, मैश कर लेंगे। सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं ये हो चुका है। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही हम पकने देंगे। यकीन माने बहुत ही ज़्यादा लजीज है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कैसा बना था। सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी है, अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे ऊपर से। चलिए इसे अब सर्व कर लेते हैं हम। बस ये मैंने सर्व कर लिया है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगती हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए चलती हूँ, मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।